जय श्री राम। बात परुथी सरनेम की। परुथी सरनेम कहाँ से आया? परुथी सरनेम अरोड़ा कलैन से है, खत्री अरोड़ा और उसके बाद परुथी, ये इस प्रकार से एक सिमेट्री चलती है। इनका जो गोत्र होता है वो कश्यप गोत्र होता है। इनके गोत्र जो है कश्यप ऋषि से आरंभ हुआ है, क्योंकि परुथी गोत्र खत्रियों की अरोड़ा उपजाति का हिस्सा है और सब अरोड़ा ऋषि जो है गोत्र कश्यप से ही माने जाते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो फिर गोत्र परंपरा का की अहमियत ही क्या रही अगर सभी का गोत्र कश्यप है तो। ये तो मुगल शासकों ने हमारे इतिहास को रचखंड कर दिया है, जिसकी वजह से गोत्रावली नहीं मिल पा रही हैं। आप सभी लोग अपने अपने लेवल पर प्रयास करें और अपने अपने गोत्रों को ढूंढने का की कोशिश करें। इसी प्रकार इनकी जो परुथी होते हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि एक अहुजा परिवार था। ये अहुजा से आते हैं परुथी जो है। अहुजा परिवार के घर में शादी थी जो बहुत ही बड़े रईस थे, तो वहाँ एक दिन बारात अगले दिन जा कर के पहुँची थी और उनको परुथा यानी कि अगले दिन का बासी खाने को जो है परुथा बोला जाता है, खाना खाया, तभी से उस अहुजा परिवार को लोगों ने परुथी कहना शुरू किया। ये ज़्यादातर मुल्तान बेल्ट में होते हैं और ये परुथी और अहुजा वैसे एक ही होते हैं कि अहुजा में से ही ये परुथी निकले हैं, तो ऐसा हमें बुज़ुर्गों से सुना है और वो भी परुथी थे। काफ़ी बुज़ुर्गों से मैंने इस बारे में बात की है, तो जहाँ से मुझे ये वर्णन प्राप्त हुआ है तो ये है परुथियों की उत्पत्ति का एक कारण। हाँ, इनके जो कुल देवता हैं वो वरुण देव हैं। कुल देवी के बारे में वैष्णो देवी की मान्यता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। परुथी अरोड़ा हैं, इनका गोत्र कश्यप है, इनकी कुलदेवी माँ वैष्णो है और कुल देवता वरुण देव जी हैं। जय श्री राम।